नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कैबिनेट के बारे में बात करेंगे जो कि मैं क्या बताऊं उसके बारे में कि जो कि इतनी ही यूनिक है कि बीबीसी ने सिर्फ ऑल ओवर इंडिया के लिए दो ही पीस लॉन्च किए। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, दो ही पीस हैं ये बीबीसी के लिमिटेड एडिशन वाले कैबिनेट में से एक है। इसका जो बॉडी है वो एल्युमिनियम मेड है, यूनिक डिजाइन है और टेम्पर्ड ग्लास है, आरजीबी फैन है। बाकी की हम इसकी फीचर्स और डिटेल्स की डिस्कस इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में करेंगे। आज हम इसीलिए यहाँ पे हैं, हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह का मॉडल है और क्या इसकी कन्फिग्रेशन है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो कैबिनेट है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और ये बीबीसी के लिमिटेड एडिशन वाले कैबिनेट में से एक है। हम इस कैबिनेट के अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर हम सबसे पहले इसके साइज की बात करें अनबॉक्सिंग करने से पहले, तो आप देख पा रहे होंगे लगभग पूरी की पूरी कैबिनेट इतनी बड़ी है कि वीडियो में सिर्फ पूरी कैबिनेट ही आ रही है। अगर हम इंच टेप से इसके साइज की बात करें, बॉक्स के साइज की अगर हम बात करें, तो ये करीब आपका 26 इंच का है। चौड़ाई की इसकी बात करें तो चौड़ाई है करीब आपकी 28.5। ऊंचाई की बात करें तो ये अगर इसी पोजीशन में ऊंचाई की बात करें तो करीब है आपकी 12 इंच। नमस्कार, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने से पहले सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो कैबिनेट का साइज इतना बड़ा है, इतनी हैवी कैबिनेट है कि ये आपके सिर्फ कैमरे में पूरी आ पा रही है। सिर्फ कैबिनेट ही बड़ी मुश्किल से मैंने इसके पूरे एंगल में एडजस्ट किया। अब अगर हम इसके लेंथ विथ हाइट की बात करते हैं तो अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ है आपकी 66.5 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करें तो है 73 सेंटीमीटर। हाइट की बात करें जिस पोजीशन में है तो यह है आपकी 32 सेंटीमीटर। जो लेंथ विड्थ हाइट अभी हमने चेक की है इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही हैवी और बहुत ही अच्छे साइज में कैबिनेट है। तो चलो लेट्स गो, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिया जाएगा। ये इसका बॉक्स मैंने ओपन किया, इसके बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स हमें दिया गया है। अब हम इस बॉक्स के अंदर देखेंगे क्या है। तो इस बॉक्स के अंदर हमें मिलेगा टेम्पर्ड ग्लास, अब आप देख सकते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास का साइज और डिजाइन जो है वो यूनिक है, मीन्स एक अलग ही डिजाइन है। और टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर दोनों साइड प्रोटेक्शन के लिए ये पॉलीथीन लगी हुई है जिससे कि इसके ऊपर स्क्रैच या किसी तरह का कोई निशान ना बने।
ये हमने एक टर्म पर क्लास इसमें से निकाल लिया। और आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसकी दूसरी साइड के लिए इसमें एक और टेम्पर्ड ग्लास है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम इस बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बॉक्स है जो आपका वो है टेम्पर्ड ग्लास के लिए। हम देखते हैं कि अंदर और हमें क्या दिया गया। आप ये देख सकते हैं कि कैबिनेट की प्रोटेक्शन किस तरीके से इसमें की गई है। ये आपकी इसकी कैबिनेट की प्रोटेक्शन की गई है। ये हम कैबिनेट का के ऊपर फोम का कवर भी है, जिससे कि आप ये कैबिनेट पे निशान ना है। इसके साथ इसके अंदर आपको एक आरजीबी फैन, 3 रिंग ड्यूल रिंग का 3 फैन का सेट भी मिलेगा। उसको आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको फिट नहीं किया इसके अंदर। हम बात करते हैं कैबिनेट की और हम इस कैबिनेट को बाहर निकालते हैं। ये मैंने इस कैबिनेट को उसमें से बाहर निकाल लिया है बॉक्स में से। बॉक्स का साइज बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था और प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से वीडियो में से कैबिनेट निकालना आसान नहीं था, कैबिनेट बॉक्स के अंदर से निकालना आसान नहीं था। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या क्या फीचर्स हैं। अगर इसके कलर की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जो कलर है, शाइनी मैट फिनिश इसके ऊपर किया गया है। ये इसके अंदर शाइनी मैट फिनिश का आपका कलर है। टॉप में हमें एक ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, ये रिस्टार्ट का बटन है, ये 2 2.0 और 1 3.0 USB और 2 HD के साउंड दिए गए। अब हम इसके अंदर देखते हैं अंदर हमें क्या दिया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें कैबिनेट की, तो कैबिनेट जैसे कि मैंने आपको आज पहले ही बताया था, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और आप इसमें ये देख सकते हैं, ये जो कैबिनेट के लिए है, ये आपके वाटर कूलर को इंस्टॉल करने के लिए इसमें सॉकेट बनाए हुए हैं। तो अगर आप इसमें अपना PC बनाना चाहते हैं या वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं या अपना हैवी गेमिंग PC या ग्राफिक के डिजाइनिंग के लिए PC बनाना चाहते हैं, तो ये एक कैबिनेट है जो आपको बाय करनी चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें फैंस के लिए, तो फैन के लिए एक पोर्ट रियर में है, 2 इसके टॉप में है, 2 इसके फ्रंट में है, 2 इसके साइड में भी। तो अगर हम बात करें तो 2 2 4 2 6 1 7 आप फैन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली की बात करें तो 7 फैन आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें 120 mm के साथ साथ 140 mm के फैन भी इंस्टॉल हो सकते हैं। अब हम इस कैबिनेट को बैक की तरफ देखते हैं कि बैक में हमें क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। अब हम अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो 1 SSD आप यहाँ पे और 1 SSD आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 3.5 इंच यहाँ पे और 1 3.5 इंच आप इस ट्रे को बाहर निकाल के यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये SSD की ट्रे भी यहाँ से स्क्रू खोल के बाहर निकल सकती है। और अगर हम इस कैबिनेट की बात करें तो लगभग आप इसके हर पार्ट को ओपन कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि केबल्स वगैरह और बाकी सब कुछ इसमें कैसा है। ये हम इसकी केबल है हमें, जो कि आप देख सकते हैं टाई से माउंटेड है। तो सबसे पहले मेरे को इसको निकालने के लिए इसकी टाई को काटना पड़ेगा। ये इसके स्क्रूज है। हमें कुछ टाई दी गई है। सबसे पहले ये जो स्क्रूज हैं, ये आपके
टेम्पर्ड ग्लास के साइड पैनल्स के लिए है, आ जाओ उन्हें इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके उसमें यूज होंगे। ये आपके आपके दो स्पेशल स्क्रू दिए गए हैं जो कि आप चाहें तो अपने साइड पैनल में जब आप टेम्पर ग्लास में को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। बाकी एक्चुअली मैं रियली बताऊं तो मेरे को नहीं पता है किस लिए दिए गए हैं, लेकिन आई थिंक सो कि ये आपके टेम्पर ग्लास को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि इसका एक लुक अलग ही निखर के आए। तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या दिया गया है। ये आपके मदरबोर्ड पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए स्पेसेस और साथ में फैन के स्क्रू भी हैं इसमें। ये आपके सारे इसमें जो स्क्रूज वगैरह थे वो हमने देखे अभी। अब हम इसकी बात करते हैं केबल्स की। ये आप देख सकते हैं पावर एलईडी वगैरह को भी अच्छी तरीके से माउंट करके दिया गया है, जिससे कि ये किसी तरह की बेंडिंग या किसी तरह का नुकसान ना हो। ये आपके 3.0 USB के लिए, ये HD ऑडियो के लिए, ये नॉर्मल 2.0 USB के लिए इसमें पोर्ट दिया गया। अब अगर हम बात करें इसके अंदर के साइज की, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा स्पेस है। आप बड़े से बड़ा ATX, IATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। PSU के लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर PSU के लिए डाउन साइड माउंटेड दिया गया। आप यहाँ पे इस जगह पे अपना PSU इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे, और साइज भी काफ़ी अच्छा है तो आप इतना लंबा इसमें PSU इंस्टॉल कर सकते हैं। ये PSU को सपोर्ट करने के लिए फोन के ग्रिप भी दिए गए हैं। ये नीचे स्पेस है जिससे कि आपका PSU का जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी सीधी ही नीचे से। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स की, तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए। ये आपके इसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, और ये अगर हम लुक की बात करें तो ये नीचे सिर्फ, अगर मैं क्लियरली बात करूं तो ये सिर्फ डिज़ाइन है, ये किसी तरह का शॉक एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करेगा। अगर आप सोचें कि ये शॉक के लिए है, ये सिर्फ एक आपके लिए डिज़ाइन है इसमें। ये इसके नीचे आप देख सकते हैं फोम के ग्रिप्स दी गई हैं, जिससे कि आपकी कैबिनेट स्टेबल बनी रहेगी। फ्रंट में ये टेम्पर्ड ग्लास दिया गया, नहीं ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, ये एक्रेलिक सीट है, ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं है सॉरी, ये एक्रेलिक सीट दी गई है इसके फ्रंट में। आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी डिजाइनिंग भी करवा सकते हैं, जिस तरह का आपको डिजाइन है। यहाँ से ओपन करेंगे तो ये स्क्रूज घुमाएंगे तो ये आपकी सीट बाहर निकल आएगी। अगर आप चाहें तो ये पूरी ऊपर की बॉडी भी बाहर निकाल सकते हैं। इसमें चारों तरफ स्क्रू दिए गए हैं जिसके मतलब जिसको आप खोल लेंगे तो ये पूरी की पूरी ऊपर का कवर जो है इसका बाहर निकल आएगा। उसके बाद अपने फैन या वाटर कूलर जो भी आपको इंस्टॉल करना हो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि ये आइडियल जो कैबिनेट है वो है आपकी कस्टम मेड वाटर कूलर इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप कस्टम मेड वाटर कूलर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये कैबिनेट उसी पर्पज के लिए डिज़ाइन की गई है। ये इस कैबिनेट की पूरी अनबॉक्सिंग थी। इसमें अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो आप मेरे से कमेंटमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि ये जो कैबिनेट है ये सिर्फ दो ही पीस ऑल ओवर इंडिया के लिए BBC ने लॉन्च किया है। ये उनका लिमिटेड एडिशन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लिमिटेड एडिशन में है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक Amazon पे सेल के लिए, जिसका लिंक मैं डाल दूँगा,
एक हो सकता है बीबीसी अपने प्रमोशन में यूज करे इन फ्यूचर में आने वाले, तो उसका अभी कुछ पता नहीं है कि वो कब लॉन्च होगा, तो अगर आप चाहें तो इसको अभी अमेजोन से बाय कर सकते हैं। ये इस कैबिनेट का एल्युमिनियम सीरीज की कैबिनेट का फुल अनबॉक्सिंग रिव्यू था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कैबिनेट आपको पसंद हो तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोगों को आगे बीबीसी के जो भी नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नए फीचर्ड आएंगे, नए फीचर वाले प्रोडक्ट आएंगे, उन सबको आप पहले देख सकते हैं, जिससे कि आप किसी को चीज़ को मिस ना करें। जब हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो मैंने कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना भूल गया था, जो कि मैंने अभी जो इसको कैबिनेट को असेंबल किया है, मीन्स फैन और टेम्पर्ड ग्लास लगाए हैं, तो मेरे को उनके बारे में पता चला। जैसे कि आपको याद होगा मैंने बताया था कि बड़ा स्क्रू का मेरे को नहीं पता किस लिए है, ये स्क्रू इस जगह पे फिट करने के लिए है। तो एक चीज़ ये थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी एक और चीज़ और थी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और चीज़ ये थी कि अगर हम बात करें तो इसका ये जो टॉप का जो एरिया है, ये जो ब्लू है, ये आपका एल्युमिनियम मेड है। बाकी जो इनसाइड का, जो ये इनसाइड का ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, ये आपका स्टील है, हाई क्वालिटी स्टील है। तो ये भी मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा इसमें। ये आपका एक स्क्रू बाहर की तरफ और एक स्क्रू इस तरफ, दो स्क्रू आपके इस जगह पे इंस्टॉल होंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना रह गई थी पहले, वो ये है कि ये जो आप यहाँ पे ये ट्रे देख रहे हैं, एक हो गई, एक ये इधर है आपकी, ये रही एक दो, और एक ये आपकी इधर टॉप पे है, ये तीन जिसमें कि मैंने फैन माउंट किए, ये तीनों की तीनों ट्रे जो हैं आपकी रिमूवेबल है। ये हम यहाँ से इसके स्क्रू खोलेंगे, हम दूसरा स्क्रू खोलेंगे, और ये हम इसको पुश करेंगे तो ये इस तरीके से आपकी ट्रे बाहर आ जाएगी। अब हम अगर बात करें तो जब आप इसके फ्रंट पैनल को भी ओपन करेंगे बाहर से, तो आप दो 120 mm के फैन यहाँ फ्रंट में भी लगा सकते हैं, और दो आप जिस तरीके से मैंने लगा रखे हैं इस तरीके से आप ट्रे पे भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरह इस वाले में होगा आपका, ये जो ट्रे है इसमें आप दो तो यहाँ लगा सकते हैं और एक फ़ैन आप इस तरफ से लगा सकते हैं, दो की नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक आप इस तरफ लगा सकते हैं और लगा सकते हैं। और अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप में आप चाहें तो दो इस ट्रे के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रे यूज नहीं करनी है तो आप ट्रे को इस तरीके से निकाल के अलग रख सकते हैं, और टॉप से पैनल हटा के उसके बाद ऊपर से इसके स्क्रूज कस सकते हैं। और अगर अब हम इसके एयर फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है एयर फ्लो के लिए, आप एयर फ्लो इसमें बहुत ही बढ़िया है। एयर के लिए काफ़ी सारा गैप है इसके अंदर, हर जगह से इसमें गैप दिया गया है। और डिज़ाइन और लुक की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, एक यूनिक डिज़ाइन है इसका।